अभिषेक करे। यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्युदशाधिपाशिशिशुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्वैतिमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ये सर्वौषधिरिद्यासितपशो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानमितकुशला योष्टो विधाश्चारणः पञ्चज्ञान्तरात्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वस्पूज्यसज्जनपतेः सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यसाक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु इस्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मन्दज्योतिरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानवाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविताः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टके स्तोत्रं वन्दामि। श्रेयाः पद्मविकासवासरमणिः स्याद्वाद रक्षामणिः संसारो रगधर्मकारुणमणिः भव्योग्रचिन्तामणिः अश्रान्ताक्षयशान्तमुक्तरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमान् देवशिरोमणिः विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आहाराभिवेशति सारदान् दत्तावधानानां खण्डे स्फुटितजीर्णचिन्तयतालोदारिग्दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्रधनवितरणीशीलानां तर्कव्याकरणछन्दोलङ्कारसाहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सरोद सारवादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास निगमातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ होने जा रहा है, सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भर निर्णय यही है तैलो के भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मय जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नफ्येत्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले दिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मृवचन इसके तत्रस हों। ओम रीम प्रीम क्लीम वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नारिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह इतनात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर सीख चुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तेज कर्णसाय नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसा अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रह इतनात् मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ति स्वाहा। घृताभिषेक घी
अत्यंत पुष्कर एक रत्तप्तिकारी संताप दूर कर से एकांत देता गीते दिने नभसे के करूँ अभी मैं दीर्घायु त्रिशक्ति बढ़े सी से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पहामे जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा दूध का कलश पूर्णाधांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन सुमांचित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुपलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में इंद्र सौ के पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुभ फलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ पहामे जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा सर्वौषधि हे लाल अवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एवं हम त्रिभुवन पते हे सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को ओम राम दीम रूम रोम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय पूर्ण कलशला अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक के पूर्ण प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन भीमे विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ से व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरा मारातिकम त्रिभोरोतारियामि इति मंगल आरती अवतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर दिव्य मिलाय लीने गंदाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगो सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट छिद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राश नमः गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर विसंगस्य श्रीमती शकुंतला जैन धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जैन उत्तम नगर नई दिल्ली जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार से चिरंजीव संसव जैन पुत्र निकलंग जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित यश जैन पुत्र मुकेश जैन प्रयागराज जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन
श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमतिया नाम का अनुकुंदी ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याह दिल्ली श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत ब्याह दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्री जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमंदी जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सुधार जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयज जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहु जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीछेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सब देवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन साहब पुणे श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ समस्त पदाधिकारी जैनधन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन श्री अनिल जैन प्रीत ब्याह श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री जिंदराज जी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विजेंद्र जैन जमुनापार जैन समाज श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली श्रीमती शकुंतला जैन धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दान मलय कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय दीवान अजय दीवान सूरत डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंहपुजा को रोपाडोली परिवार हैदराबाद श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोली शिवांगी सौरभ चावड़ा रक्षा मायराधन सुनिया सेठी दीमापुर श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्यवास श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रमन ईक्षा जैन प्रीत ब्याह दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कामरी साबला श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजु जैन गुड़गावा सपरिवार से श्रीमती निर्मला जैन प्रेमचंद जैन के पुत्र निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभार्थी प्रदीप हेमलता जैन अमनायुषी अंशुभी के जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशाशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षित प्राची जैन नितिन आर्य जैन सभ्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनोप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेन्द्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक हरिहनवास मेघनाथ परिवार कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सी ए पार्थो जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेर मल्लन बदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार स्वास्थ्यवाद कलकत्ता कुमारी सुभी जैन एवं सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया सपरिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन श्री राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ श्री अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा डॉक्टर प्रियांक मिताली सुरभि जैन सोनकक्ष देवास मध्य प्रदेश श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान मलेजयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली निवासी परिवार से श्री चंदा वीरेंद्र जैन सिंघई नासिक रोड महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री शांतिलाल जी श्रीमती विनायका जैन बांसवाड़ा राजस्थान निवासी परिवार से
श्रीमती शोभा पाटनी मालेगांव, श्रीमती चंदा तुड़ीवाल औरंगाबाद, श्रीमती सीमा हेमा सेठी औरंगाबाद, श्रीमती कांता लोहाड़े कन्नड़, श्रीमती अनिला सोड़े औरंगाबाद, श्रीमती अर्चना कासलीवाल चांदवड़ आदि समस्त महिलाएं, महिला मंडल सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंचिंदी बिन बिंदी दर्शनावरण कर्म छिंचिंदी बिन बिंदी वेदनीय कर्म छिंचिंदी बिन बिंदी वेदनीय कर्म छिंचिंदी बिन बिंदी 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 क्रोधम छिंचिंदी बिन बिंदी अपमानम छिंचिंदी बिन बिंदी मायाम छिंचिंदी बिन बिंदी लोभम छिंचिंदी बिन बिंदी मोहम छिंचिंदी बिन बिंदी रागम छिंचिंदी बिन बिंदी द्वेषम छिंचिंदी बिन बिंदी छिंचिंदी बिन बिंदी भयम छिंचिंदी बिन बिंदी सर्प भयम छिंचिंदी बिन बिंदी भयम छिंचिंदी बिन बिंदी नदी जल भयम छिंचिंदी बिन बिंदी लोदर भगंदर कुशकामलादि छिंचिंदी बिन बिंदी दादि बंधन भयम छिंचिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिन बिंदी प्रधानी विस्फोटक भयम छिंचिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम छिंचिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिन बिंदी कंप दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिन बिंदी राजन बेंतर डाक ने साक्षी छिंचिंदी बिन बिंदी सर्वधनानि भयम छिंचिंदी बिन बिंदी परहानि भयम छिंचिंदी बिन बिंदी राज भयम छिंचिंदी बिन बिंदी चोर भयम छिंचिंदी बिन बिंदी दुष्ट भयम छिंचिंदी बिन बिंदी भयम छिंचिंदी बिन बिंदी भयम छिंचिंदी बिन बिंदी विद्वेषम छिंचिंदी बिन बिंदी छिंचिंदी बिन बिंदी विक्षम छिंचिंदी बिन बिंदी व्याधिम छिंचिंदी बिन बिंदी रोध ध्यानम छिंचिंदी बिन बिंदी भाग्यम छिंचिंदी बिन बिंदी यशः छिंचिंदी बिन बिंदी पापम छिंचिंदी बिन बिंदी 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 दुर्ग्रह भयम छिंचिंदी बिन बिंदी कम छिंचिंदी बिन बिंदी छिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीरार वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्य अनामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोधाती क्षेत्रे वीर संबत 2549 तमे मासोत्तम मासे आश्विन मासे कर्ण पक्षे द्वितीया तृतीया तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनिया सरासगण चतुर्भिसंगस्य शांति करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु यम कुरु 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 आरोग्यम कुरु कुरु जयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु वारिष्ठ ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जगत शांत कराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपुतमायामस्य करोपि सान्दारं कृत्वा तुभिस्संगस्य गणनी प्रमुख चतुर्भिस्संगस्य श्रीमती सुशीला हैदराबाद वालों के नाम क्या है श्रीमती सुशीला जैन हैदराबाद निवासी से परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जय बलिए सब देव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह नात्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करो मी अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ तथा नम रंग मजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव रुक मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं अयोध्या में जन्म लेने भगवान लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितना अभिनंदनाथ सुमदानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा वसुद्रभ संभारी तुमृगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुमोभोधारी करुणाधारी या तेथारी सनारी श्री शांति ने समुत नक्रेशम भ्रतचक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणोदेशम दयामतेशम मक्रेशम ओम रिमसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊ बोर तार पूजत पापियरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान
गुणधीर सन्मतदायक ओम नृम श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार के केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम रीम आचार्य शांति स्मारक समय शिखर में विराजमान 31 फुट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान भाजपुर जी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फुट के भाजपुर भगवान के श्रीचरणों में राजधानी दिल्ली में पूजगणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्रीचरणों में एवं अयोध्या में विराजमान भगवान चक्रवर्ती भरत स्वामी के श्रीचरणों में एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो श्री भव से मोक्ष गए उनके चरणारविंद में दिलारिगंध रूपामी ती स्वाहा। पिछी ओम रेमचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकान सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगम भजन आचार्य उपाध्याय मुनि यार का छुलक छुलिका समस्त दिगम भजन संतों के चरणों में अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी सारे देश के अंदर पूरे दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर समाज सभी ने मिलकर के पर्युषण पर्व और दशलक्षण पर्व बड़े ही आनंद पूर्वक और त्याग और संयम के साथ व्यतीत किया है। अब आ रहा है शरद पूर्णिमा महोत्सव पूजगणनीय ज्ञानमती माता जी का 90वां जन्म जयंती महोत्सव एवं 72वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा यह प्रतिवर्ष आता है और हम और आप सब लोग मिलकर के प्रभावना के साथ इस महोत्सव को मनाते हैं। इस वर्ष पूजगणनीय ज्ञानमती माता जी शाश्वती अयोध्या में विराजमान है। इसी अयोध्या की धरती पर पूज्य माता जी का 72वां संयम दिवस एवं 90वां जन्म जयंती महोत्सव 27, 28, 29 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। ध्यान रखें 27 अक्टूबर को मध्यान्ह में भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ का अधिवेशन रखा गया है। दिगंबर जैन समाज के अंदर 84 जातियां मानी गई हैं जो आगम के अंदर प्राप्त होती है और वर्तमान में लगभग 35 जातियां उपलब्ध हैं। तो इन सभी जातियों के कार्यकर्ता इन सभी जातियों के पदाधिकारी जो विभिन्न प्रदेशों में स्थित हैं जिनके संगठन भी बने हुए हैं जैसे खंडेलवाल जैन समाज का, अग्रवाल जैन समाज का, जायसवाल जैन समाज का, बघेरवाल जैन समाज का, इन सभी के संगठन इस प्रकार से बने हुए हैं। उन संगठनों की जानकारियां समाज को प्राप्त हों, क्या क्या गतिविधियां चलती हैं उनमें और मजबूती के साथ वे संगठन अपना अपना काम करें इसके लिए सर्वजातीय संगठन महासंघ का ये अधिवेशन 27 तारीख को दोपहर में 2 बजे से शाश्वती अयोध्या में इस शुभ अवसर पर रखा गया है। रात्रि में अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन एवं अखिल भारत दिगंबर जैन युवा परिषद का अधिवेशन रखा गया है और 28 तारीख शरद पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन है, आशो शुक्ला पूर्णिमा। प्रातःकाल चक्रवर्ती भगवान भरत एवं भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक एवं 720 रत्न प्रतिमाओं का अभिषेक और इसके साथ प्रातः 8 बजे प्रथमाचार्य चक्रवर्ती शांत सागर महाराज की जो कमेटी बनी है जो लगातार 1 साल 2 साल तक चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज का आचार्य पद समारोह मनाएगी सारे देश के अंदर। ये कमेटी पूजगणनीय ज्ञानमती माता जी के निर्देशन से आशीर्वाद से प्रेरणा से निर्मित की गई है। तो इस कमेटी का की एक मीटिंग डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े की अध्यक्षता में 28 तारीख को प्रातः 8 बजे यहाँ पर रखी जा रही है और उसके बाद दोपहर में 1 बजे से विनयांजलि सभा का आयोजन होगा जिसमें सभी भट्टारक दक्षिण भारत से महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु में वर्तमान में 14 भट्टारक हैं उन सभी को निमंत्रण गया है और सभी भट्टारक क्रम क्रम से अपने रिजर्वेशन करा रहे हैं। सभी भट्टारक यहाँ पर एक साथ आप दक्षिण को उत्तर में देखेंगे और इन सभी की पाद पूजा इस अयोध्या के मंच पर यहाँ पर की जाएगी। सभी भट्टारक गण पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी के चरण कमलों में अपनी वृंदांजलि समर्पित करके
और अपना अहोभाग्य मानेंगे, अयोध्या की वंदना करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोपहर का ये कार्यक्रम यहाँ पर समायोजित है, रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार से आप सभी भक्तों को यहाँ पर आने की, जिन भक्तों को शरद पूर्णिमा सुख के शुभ अवसर पर आने की भावना हो, वे 27, 28, 29 तीन दिवसीय कार्यक्रम में अपना रिजर्वेशन करा के 26 तारीख को चल करके 27 को प्रातः अथवा 26 की शाम तक यहाँ पहुँच करके और इन समस्त कार्यक्रमों में धर्म लाभ लें। जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे सभी के ठहरने की उचित व्यवस्था हमारी कमेटी के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। जो निकलंक जैन टिकैत नगर के सुपुत्र हैं, जन्मदिन का आशीर्वाद पूज्य बड़ी माता जी से ले लें। बहुत ही उत्साह के साथ ये बालक अपना जन्मदिन मनाने के लिए पूज्य माता के पास आया है और इन्हें आजीवन रात्रि भोजन का त्याग किया है, अष्टमूल गुण धारण करके जनेऊ ग्रहण की है, आहार दान देने की भावना रहती है। ऐसे संस्तव जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, नया साल खूब मंगलमय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सबदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सबदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य पणमन्ति यस्य धम्मे सयामनो। भव्यात्मा आज राष्ट्रीय पर्व अहिंसा दिवस हमें और आपको गौरव और प्रसन्नता का अनुभव है। सभी को प्रसन्नता है, गौरव है कि हमारे भारत के ये जागरिक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री आज इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर तिथि से नहीं बल्कि तारीख से। मैं व्यात्मा हूँ, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा गौरव है। मैं आपको ले चलूँ अतीत की ओर। भगवान महावीर के समोसरण में श्री गौतम स्वामी कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस् पणमन्ति जस धम्मे सयामनो। धर्म मंगल है, श्रेष्ठ है, वो क्या है? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का नाम सबसे पहले लिया, अहिंसा ही, और पुनः वीर भक्ति में ऊपर कहा हुआ है इसके पहले कि धर्मान्नास्तप्रास्रद्भवर्ताम धर्मस्य मूलम दया। संसार में सभी प्राणियों के लिए
धर्म से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। वो धर्म क्या है? धर्म से मूलम दया। धर्म का मूल है दया, दया ही धर्म का मूल है। और इसके बाद श्री नेविचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पुरगाम पट्टनादि लोये सत्थोय लोय व्यवहारो धम्मो भी दया मूलो विनिमो आदि ब्रह्मेन। आदि ब्रह्मा, युगादि ब्रह्मा, युगादि पुरुष, आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर ऋषभ देव, जो युग के आदि में जन्मे हैं इस अयोध्या में, जहाँ आज हम और आप बैठे हुए हैं इस अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्मे हैं। युग के आदि में भगवान ऋषभ देव, जिनको जैन गणित के अनुसार असंख्यातों वर्ष हो गए, एक कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 वर्ष का एक कोड़ा कोड़ी सागर। और ऐसे युगादि ब्रह्मा भगवान ऋषभ देव ने धम्मो भी दया मूलो विनिमो, दया मूलक धर्म, अहिंसा धर्म, इसका निर्माण किया है, इसको निर्मित किया है, इसको बनाया है। भव्यात्माओं, यह अहिंसा धर्म भगवान ऋषभ देव से इसी जन्मभूमि, उनकी इस अयोध्या शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या से प्रकट हुआ है, उद्भव है। इसकी मूल उत्पन्न भूमि, उद्भव भूमि है अयोध्या। अयोध्या में ही भगवान ने सर्वप्रथम दयामूलक धर्म का उपदेश दिया है। भव्यात्मा, आज हम और आप कितने भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं जो शास्त्र जन्मभूमि में बैठ करके और भगवान शब्देव के गुणगान कर रहे हैं कि जिन्होंने युग की आदि में दयामूलक धर्म का निर्माण किया है, बनाया है, बताया। जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो बनाया नहीं, बताया है, क्योंकि इससे पूर्व अनंत अनंत तीर्थंकर जो इस भूमि में हो गए, सबने दया धर्म का उपदेश दिया है, और आगे भी होते रहेंगे, वो सब दया धर्म का उपदेश देंगे। धर्म का मूल है दया। भारतीय संस्कृति का मूल है दया। अनादि संस्कृति का मूल है दया। जैन का, जैन धर्म का प्राण है दया, अहिंसा। दया कहो, अहिंसा कहो, पर्यायवाची नाम है। अहिंसा मतलब जीवों की हिंसा नहीं करना, दया मतलब जीवों की दया पालना। गौतम स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे धर्म माम पालय, हे धर्म तू मेरी रक्षा कर, तू मेरा पालन कर, तू मेरा पालन पोषण कर, हे धर्म तुम मेरा पालन पोषण करो, यहाँ तक कह दिया। हमारा और आपका पालन पोषण दया से ही होगा, अहिंसा से ही होगा। अहिंसा से ही, अभेदान से ही आयु, पूर्ण आयु का हम लोग उपभोग कर सकते हैं, अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। भव्यात्माओं, दीर्घायु का होना, पूर्ण आयु का प्राप्त करना आदि सब अहिंसा का ही, दया का ही परिणाम है। जो हिंसक होते हैं वो भवभव में जीवों के द्वारा मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, नरकों में जाकर के घानी में पेले जाते हैं। और आज देखा जाए तो मैं समझती हूँ सारे भारत में ही नहीं, विश्व में इस अहिंसा के उपलक्ष्य में सारे कत्ल खाने बंद होंगे, और लोग जो है हर एक मांसाहारी भी शाकाहार का अनुसरण करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, मांसाहार का त्याग रखेंगे। हमने देखा है कितने ही लोगों को कि जो जीवन भर मांसाहारी रहते हैं, लेकिन ऐसे पवित्र दिवस पर, आज के दिवस पर अपने आप को अहिंसक घोषित करते हैं, अहिंसा मानते हैं, हिंसा का त्याग कर देते हैं, मांसाहार का त्याग कर देते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, मूल सिद्धांत, मूल धर्म अहिंसा। गांधी जी जो हमारे महात्मा गांधी कहलाए, राष्ट्रपिता कहलाए,
आज गौरव के साथ उनका और हमारा आप स्मरण कर लेते हैं कि जिन्होंने अहिंसा का आंदोलन किया, हमेशा अहिंसा का आंदोलन किए और आंदोलन में अहिंसा की रैलियां निकाली। पंडित लाल बहादुर जी शास्त्री अहिंसक आज भी हमारे गौरव का विषय है। हमारे नरेंद्र मोदी आदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि सब अहिंसक हैं, पूर्ण शाकाहारी हैं, और गौरव का विषय है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो हैं श्री द्रौपदी जी मुर्मू पूर्ण शाकाहारी हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति का आज के दिन बहुत बड़ा गौरव का विषय है। हमने अनुभव किया है सन 1982 से और उसके पूर्व से भी जितने भी राष्ट्रपति हमारी इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आदि जो जो आए, मैंने अहिंसा की, उनके सामने चर्चा की और उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा को उतारने का संकल्प किया और कई नेताओं ने तो वचन दिया और पूर्ण निभाने का संकल्प लिया। बात यही है कि हम अपने मूल सिद्धांत को देखें तो अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि, अयोध्या अनादि तीर्थ, अयोध्या शादि तीर्थ, अयोध्या प्रथम तीर्थ, अयोध्या यही अहिंसा की उद्गम स्थली है, जहाँ भगवान शिवदेव ने सर्वसम अहिंसा का उपदेश दिया, दया का उपदेश दिया। और 24 तीर्थंकर में से जो आगे 23 तीर्थंकर हुए, सबने उसी दिव्य ध्वनि में मूल अहिंसा का ही उपदेश दिया है। सावधि योगाद विरति ही, सावध यानी हिंसा के योग से विरत होना, ये पूर्ण अहिंसा व्रत आज महाव्रति दिगंबर जैन साधुओं में ही है। दिगंबर जैन साधु, नग्न दिगंबर जैन साधु पूर्ण महाव्रति जो हैं, पूर्ण रूपेण अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, महाव्रति कहलाते हैं। महाव्रति आरिकाएं भी 28 मूल गुण का पालन करने से अहिंसा महाव्रति है, आप ध्यान में रखें। आचार्य सांसार महाराज की आज्ञा के अनुसार, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा के साथ, इस आचार्य परंपरा के अनुसार आरिकाओं के भी 28 मूल गुण हैं। मुनियों जैसी ही चर्या है कुंदकुंद स्वामी के वचनों में मूलाचार के अनुसार, और उनके भी महाव्रत माने हैं। भले उसमें उपचार कह दिया है इसलिए कि केवल वस्त्र मात्र है परिग्रह, तो बात यही है कि पूर्ण अहिंसक साधु और एक देश रूप से अणुव्रत पालन करने वाले श्रावक, आप सब अणुव्रती हैं, श्रावक हैं। आज हमें गौरव हुआ, अभी संस्थव जैन छोटी सी उम्र का 9 वर्ष 9 बरस का बालक, आप उसका जन्मदिन है, उसे आशीर्वाद दिया। रात्रि भोजन का त्याग करने वाला, रात्रि भोजन का त्याग जिसका है, और देव पूजा आदि का दर्शन का जिसका नियम, और जो बराबर रात्रि भोजन आदि त्याग करके आहार देता है, भक्ति से आहार देता है, 7.5 वर्ष की उम्र से आहार देना शुरू किया। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार गर्भ से 9 महीने जोड़ करके 8 वर्ष का बालक, गर्भ के 9 महीने जोड़कर 8 वर्ष का बालक यानी 7 वर्ष का बालक आहार देने के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए पात्र बन जाता है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। और उसने बराबर उसका अनुसरण पालन करते हुए आहार दिया। ऐसे कई एक बालक छोटे हैं जो हमारे भक्त आज इस प्रकार से रात्रि भोजन आदि का त्याग करके और अणुव्रत को लेकर के, पंचअणुव्रत को लेकर के गुरुओं को आहार दान आदि देते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। यह संस्कृति, यह हमारी भारतीय संस्कृति और आपकी हमारी
पारिवारिक संस्कृति, विरासत की मिली हुई संस्कृति है। आपको विरासत में जैन धर्म मिला हुआ है, अहिंसा परमो धर्म मिला हुआ है। और हमारे भारत के सभी नागरिक, चाहे जिस परंपरा के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिस वर्ग के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, आज के दिन सभी जो है अहिंसा को महत्व देते हैं। एक बार एक नेता हमारी सभा में आए थे, मैं नाम तो नहीं लूंगी, और उन्होंने यही कहा कि जब मैं 2 अक्टूबर की सभा में खड़ा हुआ और मुझे बोलने को कहा गया, तो मैं सोचने लग गया कि मैं तो शाकाहारी नहीं हूँ, लेकिन जो है उसी दिन मैंने शाकाहारी होने का संकल्प कर लिया। तो बात यही है कि ये आज अहिंसा का संकल्प, शाकाहारी होने का संकल्प, मांसाहार के त्याग का संकल्प दिलाता है आज का दिवस, पवित्र दिवस सबके लिए। जैन तो अहिंसक होते ही हैं, उनके यहाँ तो मांसाहार का कोई सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि अगर कोई मांस का, हड्डी आदि का आदि नाम ले ले तो जैन तो जो है अंतराय कर देते हैं, अंतराय में आया है। आज 7 साधुओं के 32 अंतराय हैं, श्रावकों के भी 7 अंतराय में भी अंतराय है। तो बात यही है कि अहिंसा यह हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा मूल सिद्धांत है, और यह आज राष्ट्रीय पर्व रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पर्व में है। आप चिंतन करें कितनी बड़ी बात है, हमारे गौरव का दिवस है। और भगवान शबदेव के श्री चरणों में गौतम स्वामी ने तो यही कहा महावीर स्वामी के समोसरण में कि अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है, और जिसके मन में अहिंसा है, जैसे धम्मे सया मनो, जिसका इस धर्म में मन है सदा, उसे देवा भी तस्पण बनती, देव भी उसे नमस्कार करते हैं, देव भी उसकी पूजा करते हैं, उसका नमस्कार करते हैं। चांडाल आदि की कथाएँ प्रसिद्ध हैं कि जिन्होंने हिंसा का चतुर्दशी को हिंसा का त्याग कर दिया और देव ने आकर उनकी पूजा की। तो बात यही है कि सर्वोपरि श्रेष्ठ धर्म, मूल धर्म दया धर्म, इस धरती से, इस अयोध्या की धरती से प्रकट हुआ है, यहीं से इसकी उद्गम स्थली है, यहाँ से उसका जन्म हुआ है, युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के द्वारा। हम और आप आज भाग्यशाली हैं जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठ करके और भगवान ऋषभदेव की भक्ति कर रहे हैं। 31 फुट भगवान विशालमान खड़े हैं, विराजमान हैं। मांगीतुंगी में भगवान 121 फुट 108 फुट के विराजमान हैं। ऐसे उन ऋषभदेव की भक्ति करते हैं, और 23 तीर्थंकरों की भक्ति करते हुए भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करते हैं, जो अहिंसा के ही अवतार माने गए, विश्व शांति के अवतार माने गए, विश्व शांति के अवतार, अहिंसा के अवतार। ऐसा यह अहिंसा दिवस आपके जीवन में जयवंत रहे, भारत में जयवंत रहे, सारे विश्व में जयवंत रहे। और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी हमेशा यही कहा, रामनाथ कोविंद जी ने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थी जब राष्ट्रपति थी, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर विश्व में शांति होगी तो अहिंसा से ही होगी, पर्यावरण की शुद्धि होगी तो अहिंसा से ही होगी। हमें इस बात का गौरव है कि हमारे राजनेता भी, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। आज के दिन अपने भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद, वर्तमान राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, और नरेंद्र मोदी जी आदि, आदित्य योगी जी आदि, सभी के लिए, और जितने भी राज्यपाल, महामहिम और जो मुख्यमंत्री आदि हैं, सबके लिए आज हमारा इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या से, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या से, अहिंसा के उद्गम स्थली अयोध्या से बार बार बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी शासन और प्रशासन के लिए, जो हमारे करगिल की सेना पर खड़े सैनिक भले ही हाथ में बंदूक लिए हैं, लेकिन वो अहिंसक ही कहलाएंगे, इसलिए
कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हैं, न कि हिंसा के लिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है, और उसमें जो हिंसा हो जाती है वो हिंसा क्षम्य मानी गई है, गृहस्थ जीवन में क्षम्य मानी गई है। वो विरोधनी के रूप में संकल्पी हिंसा का सब त्याग करें, और सबके लिए यही प्रेरणा, और सबके लिए शासन प्रशासन के लिए, आबाल गोपाल के लिए, हर वर्ग के लिए, हर संप्रदाय वालों के लिए, सारे विश्व के लिए, आज सब आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएँ। और यहाँ जो अयोध्या में उपस्थित हुए आप लोग इस 324 विधान के मंगल अवसर पर अनुष्ठान आदि करके, और बहुत से लोग अपने अपने घर तीर्थ यात्रा आदि करते हुए चले गए हैं, बहुत से लोग अभी हैं जो तीर्थ यात्रा आदि कर रहे हैं, और नए लोग जो आए हुए हैं आगे आने वाले, और हमारे संस्था के लिए और उनके माता पिता आदि जो परिवार के लोग आए हैं सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। जोला हिंसा में विश्व धर्म की जय। अहिंसा दिवस अर्थात अहिंसा को धर्म के रूप में माना गया। किसी जाति और संप्रदाय में अहिंसा का विभाजन नहीं किया गया, क्योंकि धर्म धारण करने की वस्तु है। जाति संप्रदाय एक जातीय संगठन बंधन होते हैं। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति के लोग अहिंसा का पालन करें, यही सर्वतोमुखी रक्षा के लिए अमोघ शस्त्र है। हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, दीदी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वह गुजरात का नगर भी भाग्यशाली हो गया जिसे मोहनदास करमचंद गांधी के नाम के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिल गया। तो भव्यात्माओं, आज का ये दिन जो है अहिंसा दिवस अगर रखा गया है, तो समझो कि पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने, पूरी धरती ने अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दे करके और उसे धर्म का बाना पहनाया है। जो धर्म इस प्रकार से होता है कि जैसे मिश्री का टुकड़ा कोई आगे से खाए, पीछे से खाए, रुचि से खाए, अरुचि से खाए, हिंदू खाए, मुसलमान खाए, जैन, बौद्ध, ईसाई, चाहे जो भी कोई मिश्री खाएंगे तो मुंह में जाने के बाद मिश्री तो मीठी लगेगी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मिश्री किसी ने ज़बरदस्ती खाई तो कड़वी लग जाए, नहीं ना, मिश्री तो मीठी है क्योंकि उसका स्वभाव ही मीठा फल देना है। ऐसे ही अहिंसा धर्म है जो प्रत्येक प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आज हर जैन को गौरव होना चाहिए कि जिनसे अहिंसा की पहचान है, या जैन धर्म की अहिंसा से पहचान है। जैन किसे कहते हैं? जो अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्मः। यदि एक भील ने भी मुनिराज के पास कौवे की मांस का त्याग किया, छोटी सी अहिंसा थी, दिन भर हिंसा करता था, लेकिन उसने कौवे का मांस त्याग किया और उसके फल स्वरूप उस जन्म से मर करके तो देवता बना, और आगे जा करके वह खदिर सार भिल्ल श्रेणिक राजा मगध सम्राट बना। पढ़ करके आप उत्तर पुराण को पढ़ करके देखें, एक छोटे से नियम ने, छोटी सी अहिंसा ने उसे मगध का सम्राट बना दिया, और जो आगे आने वाले समय में इसी अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर महापद्म होने वाले हैं। तो अहिंसा का पालन करने के लिए
अपने घर में बच्चों को प्रातःकाल से ही शिक्षा दीजिए, क्योंकि प्रातःकाल से ही जैसे उठते हैं अपनी दैनिक क्रिया शुरू हो जाती है, बाथरूम में जाते हैं, फ्रेश होकर के आते हैं, तो आप पूछिए कि कौन सा टूथपेस्ट किया, कौन सा शैम्पू किया, स्नान के जल के माध्यम से कितने जीवों की हिंसा हुई, यानी कि सुबह से ही हिंसा और अहिंसा में तुलना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात अहिंसक शैम्पू का प्रयोग करें, टूथपेस्ट टूथ पाउडर ऐसा ना लें कि जिसमें किसी जीव की हिंसा हुई है, अंडे का पाउडर वगैरह पड़ता हो, ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। आपके बाथरूम के अंदर छन्ना लगा है कि नहीं, जल छान करके यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमने एक जगह शिविर लगाया, हमने बताया कि जल की एक बूंद में इतने इतने जीव होते हैं, बड़े लोगों ने लिया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगले दिन पता चला कि एक बालक ने अपने घर के अंदर मम्मी पापा को कहा कि हम मंदिर में जान करके आए हैं कि जल बिना छना यूज करने से हिंसा का दोष लगता है, तो मम्मी घर के हर नल में छन्ना लगेगा, चाहे वो बाथरूम हो, टॉयलेट हो, रसोई हो, स्नान के लिए जल हो, हर जगह छन्ना लगाने का मतलब क्या है? अहिंसा का पालन। लोग कहते हैं उसमें तो जीव भर जाते हैं, मर जाते हैं। अरे आप थोड़ा तो अहिंसा का पालन कीजिए, हृदय में जब थोड़ी अहिंसा आएगी तो धीरे धीरे करके उसके और ब्रॉड स्केल के स्वरूप को आप जान करके और तमाम तरह के अपने अहिंसा के पालन से बहुत सारे लोगों को आप संदेश दे सकते हैं कि भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव अहिंसा के अवतार हुए हैं। इन्हीं की अहिंसा को लेकर आप देखो कि गांधी जैसे व्यक्ति ने जब अहिंसा का पालन किया, बिना खड़क बिना ढाल कि हमें आज़ादी दिलाई, तो आप सोचो कि वह अहिंसा धर्म कितना प्रधान और कितना महान है, जिसका पालन करना प्रत्येक जैन और प्रत्येक भारतीय संस्कृति की प्राणी का कर्तव्य है। जब भील जैसे प्राणी या पशु भी अहिंसक कभी बन जाते हैं संतों के उपदेश से, तो अपने जीवन को महान बना लेते हैं, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी बन जाते हैं। भाई अभी आपने दशलक्षण पर मनाया, इसके मूल में क्या है? धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल क्या है? दया है। चाहे आपने क्षमा का पालन किया, चाहे उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन किया, सब जगह मूल है अहिंसा, दया, प्राणी मात्र की दया। बृहत स्वयंभू स्तोत्र के अंदर समंत भद्र स्वामी ने कहा, अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भो स्तणुरपि च यत्र श्रम विधौ। उन्होंने कहा संसार के एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के प्राणियों के प्राण की रक्षा करना, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। हम कोई शब्द किसी के लिए ऐसा कटु ना बोलें जिससे उनकी आत्मा दुखे। आत्मा का दुखी होना वह भी हमारे लिए हिंसा होती, भाव हिंसा। और अहिंसा का पालन करना माने हित मित प्रिय वचनों को बोलना, जो संत की भाषा समिति में आता है, हम सब की भाषा समिति में आता है। इसलिए कहा गया कि कोई संत, कोई ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, ये कटु वचन सामने वाले से कभी भी ना बोलें। पूज्य ज्ञानमती माता कई बार कहती हैं, यदि सामने वाला का अहित भी कुछ होने वाला है, अगर संत उसे सांत्वना के असली वचन, उसकी रक्षा के वचन बोलता है, तो उसकी रक्षा हो जाएगी, अकाल मृत्युएं टल गई संत के आशीर्वाद से। तो ऐसा अहिंसा धर्म जो आज विश्व अहिंसा दिवस के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, संसार के अंदर जयवंत रहे। महात्मा गांधी की आत्मा भी जहाँ भी है पूर्ण अहिंसा का पालन करके आगे
भगवान बने और